अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट करें। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले के अंदर जो है बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों के लिए बन रही हैं, और आप लोगों की जो है फरमाइशें भी पूरी हो रही हैं, और सैटरडे संडे 5 से 6 रिपीट भी हो रहा है, और आप लोग देख भी रहे हैं, मुझे कॉल्स भी आ रही हैं, मैसेजेस भी आ रहे हैं, और बहुत शुक्रिया। हमारा पेज को भी पसंद करने का बहुत शुक्रिया। GTV फूड के नाम से जो पेज है उस पर तमाम रेसिपीज़, रेमिडीज़, तमाम चीज़ें मौजूद हैं। जो चीज़ें आपसे मिस हो जाती हैं दोबारा से आप उसे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो GTV फूड यूट्यूब चैनल है हमारा, वहाँ पर तमाम रेसिपीज़ आपको मिल जाती हैं और रेमिडीज़ भी मिल जाती हैं। आज फर्स्ट मुहर्रम है, और ये मुहर्रम का दिन आपको पता है कि बहुत ही अहमियत कहाँ मिले, बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें, और इससे हम अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ लेकर आ सकते हैं। सच बोलना, हक पे खड़े रहना, ये सारी चीज़ें जो हैं हमें बहुत सारी तरबियत मिलती है और सालों साल मिल रही होती है, लेकिन इन चीज़ों के ऊपर हम कभी कभार गौर करते हैं, कभी नहीं करते हैं। तो हमें ये सब चीज़ों को देखकर अपने आप की इस्लाह ज़रूर करनी चाहिए, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मैं भी और आप भी इन चीज़ों के ऊपर ज़रूर ध्यान दें और अपने इस्लाह जो है करें। तो पहले मुहर्रम है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए कोई ऐसी ख़ास चीज़ तैयार करूँ इस मुहर्रम के महीने में। और पहले दिन और पहला जो रेसिपी है वो मैं आप लोगों के लिए बीफ की जो है ना हलीम तैयार कर रहा हूँ, और इसकी क्या तैयारी है आइए चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, और इसके साथ कीमे वाले नान जो है वो तैयार होंगे, और सॉरी रोगनी नान जो है वो तैयार होंगे, बल्कि ताफ्तान जो है वो तैयार होगा, और ताफ्तान के लिए हमने आटा गूंद के रखा हुआ है। क्या क्या चीज़ें इसमें डाली हैं ये भी मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हमने 2 घंटे पहले से दालें और चावल सब चीज़ें जो है ना चढ़ा दी हैं पकने के लिए, और कितनी कितनी क्वांटिटी में हमने इसको बनाया है, क्या क्या चीज़ें कितनी डाली हैं, ये सबसे मेन चीज़ है। इसलिए कि कम अज़ कम 2 से 2.5 घंटे चाहिए होते हैं दालों को पकने के लिए, ठीक है। और इसके साथ चलते हैं और चल कर आपको दिखाते हैं कि हमने इसमें क्या क्या चीज़ें और कितनी ऐड की हैं। इसी से सारा जो है ना आपका हलीम का जो लेस बनता है, जो टेस्ट बनता है, वो सारा कुछ इसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलें सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि यहाँ जो है प्याज को हम फ्राई होने के लिए डाल देते हैं, ताकि प्याज फ्राई होते रहे, उस दौरान मैं आपको दालों की क्वांटिटी के बारे में बताऊंगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमने लेना है 1 कप के करीब ऑयल, ठीक है, और इसके अंदर हमने शामिल कर देना है 2 दरमियानी साइज़ की प्याज या 1 बड़ी साइज़ की प्याज, ठीक है। ये हमने इसको फ्राई होने के लिए डाल दिया, ठीक है, और 1 चुटकी इसमें नमक भी ऐड कर दें ताकि जल्दी से फ्राई हो जाए। और चलिए इसको हम फ्राई होने के लिए छोड़ दिए ढकना लगा के, ताकि जल्दी फ्राई हो जाए। अच्छा, यहाँ मेरे पास जो है कप मौजूद है, इसलिए कि मैं सारा चाहता हूँ कि आपकी जो चीज़ों की क्वांटिटी है ना, उसका आपको सही मानों में कन्फर्मेशन हो और उसमें गलती ना हो, ठीक है। इस ये जो चाय का कप होता है, इससे मैंने ये है गंदुम और ये है जौ, ठीक है, जौ और गंदुम, ठीक है, ये मैंने इस कप से 2-2 कप लिए हैं, ठीक है, इस कप से मैंने 2-2 कप जौ और गंदुम लिया है, ये आपके सामने मौजूद है, ठीक है। और ये हलीम वाला जो गंदुम और जौ होता है, ये ख़ास तौर पर आपको किसी भी अच्छे पंसारी की दुकान से मिल जाता है, बल्कि हाँ जो सौदे वाली दुकान होती है वहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। जौ और गंदुम, ठीक है, ये 2-2 कप लिए हैं हमने, इससे लेस बनता है, ठीक है, और दालों से लेस नहीं बनता है, दालों से टेस्ट बनता है, तो इसलिए दालें कम होनी चाहिए। इसी कप से हमने 1/2 कप चने की दाल, 1/2 कप चावल, 1/2 कप मूंग की दाल, 1/2 कप मसूर की दाल, और 1/2 कप जो है हमने लिया है माश की दाल, ठीक है। ये सारे दालें हैं 1/2 कप हैं, जौ और गंदुम 2-2 कप है, ठीक है, याद रखिएगा क्वांटिटी का बहुत फ़र्क है। गंदुम और जौ 1-2 कप है, और चावल, चने की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल और माश की दाल, ये सब 1/2 कप हैं, ठीक है। तो ये हमने इस कप से नाप कर लिया, और लेने के बाद इसको वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद इसे रात को भिगो के छोड़ दिया, ठीक है। छोड़ने के बाद सुबह
आपने इसे पकने के लिए चढ़ा दिया। अब आप जब 2-2.5 घंटे गुजरते हैं ना, तो आप देखिएगा कि इसके अंदर एक लेस पैदा होता है, ये आप देख सकते हैं, इस पानी के अंदर भी लेस है, ये कैमरे के अंदर आपको नज़र आएगा। जब तक ये लेस ना बने ना, हलीम का मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। ये लेस बनना ज़रूरी है और इसके लिए तकरीबन को 2 से 2.5 घंटे चाहिए होते हैं इसको पकने के लिए, ठीक है। और ये अलग पकेगा और गोश्त जो है वो अलग पकेगा। अच्छा, टाइम कम होने की वजह से मैंने पहले से चढ़ा दिया है ताकि ये सारी चीज़ें चलती रहें साथ साथ, ठीक है। चलें, अब आप आ जाते हैं। अच्छा, अच्छी तरह से देख लें और इस लेस को भी देख लें, ये आपके हलीम के जो टेस्ट है उसको दोबाला करेगा ये टेस्ट, ठीक है। बार बार दिखा रहा हूँ मैं। और इसको आप आराम से भिगोना भी ज़रूरी है रात भर, और 2 से 2.5 घंटे पकाना भी ज़रूरी है दरमियाने आँच के अंदर, ठीक है। अब आ जाते हैं हमने दर बताएं, टाइम हमारे पास कम होता है तो हमने ये दो काम तो पहले से करके रखे हैं। तीसरी चीज़ ये की है कि गोश्त को हमने बॉइल्ड कर लिया, और ये देख लें गोश्त हमारा तकरीबन 1.5 किलो के करीब गोश्त है, और इसको हमने इतना बॉइल्ड कर लेना है अदरक लहसुन में कि बिल्कुल ये नरम सॉफ्ट हो जाए, ठीक है, ताकि हमारे पास टाइम हमारा जो है ना वो ज़्यादा नहीं लगे। मसाले, हल्दी है, धनिया पाउडर है, गरम मसाला है, लाल मिर्च पाउडर है, नमक है, तलहार मिर्च पाउडर है, ठीक है, और ज़ीरा पाउडर है, और साथ में अदरक और लहसुन का पेस्ट है। बस यही मसाले हैं जो हम इस्तेमाल करेंगे, और बाद में जब हम इसे पकाने जा रहे होंगे तो हरी मिर्चें ज़रूर इस्तेमाल करनी है, ठीक है। हरी मिर्चों से बहुत अच्छा हलीम का फ्लेवर आता है, ठीक है। हरी मिर्चें तकरीबन 10 से 15 अदद हरी मिर्चें जो है ना हमने इसमें डालनी है, और उसको फिर हमने इसके साथ ही जो कोरमा बनेगा उसको हम इसके साथ ही पका लेंगे। अच्छा, गोश्त को हमने मैश कर देना है, और जो दालें हैं उसको हमने मशीन से चलाकर पेस्ट बना लेना है, और इसीलिए फिर वो रेशा जो है मैश करने से किसी लकड़ी के यानी कि जो घुटनी होती है जिससे हम दाल घोटते हैं उससे, या किसी घोटने वाले भी जो हलीम घोटने वाला भी लोगों के पास छोटे साइज़ का घर पर होता है अक्सर, तो वो लोग जो लोग हलीम शौक से बनाते हैं उनके पास, तो वो उससे भी आप जो है ना तैयार कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं, और इसके साथ फिर बघार वगैरह लगेगा और ये सारी चीज़ें। छोटा सा आपको ब्रीफिंग मैंने दे दी है, उम्मीद है कि आपने समझ लिया होगा, ठीक है। शीरमाल जो है वो हम तैयार करने जा रहे हैं। शीरमाल के लिए हमने 1/2 किलो मैदा लिया है, गौर से देख लें, 1/2 किलो मैदा लिया है, 2 खाने के चम्मच इसमें हमने चीनी डाली है, 1/2 चाय का चम्मच नमक डाला है, 1 अंडा डाला है इसके अंदर, 4 खाने के चम्मच घी डाला है, और नीम गर्म पानी के साथ बेकिंग पाउडर 2 चम्मच डाला है, और नीम गर्म पानी के साथ इसको गूंद कर और इसे हमने कवर करके छोड़ दिया। ये मेरे पास बटर मौजूद है जो हम शीरमाल बनाकर बेक करेंगे, तो उस वक्त इस बटर को हमने इस्तेमाल करना है ऊपर से ब्रशिंग के लिए, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त से शीरमाल तैयार होंगे और ये आप सर्व कर सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, और यहाँ हमारे पास प्याज ब्राउन हो रही है, ठीक है जी। और इसके बाद मैंने इसमें गोश्त जो हमने अदरक लहसुन में बॉईल किया हुआ है इसकी यखनी को ज़ाया नहीं करना है, यखनी को भी साथ रखना है, ठीक है। तो ये हमारा मसाला ज़बरदस्त, आम खानों से ज़रा ज़्यादा मसाला डलेगा, इसलिए कि आपको पता है कि हलीम के अंदर मसाला गायब हो जाता है, ठीक है। तो क्वांटिटी का लाजमी ख्याल रखना है। ये तो क्वांटिटी आपने देख ली, 2 कप अपना जौ, 2 कप जो है गंदम, बाकी 1/2 कप सारे दालें और चावल। तो इधर गोश्त जो है उसके हिसाब से मैंने 1.5 किलो गोश्त लिया है, और बिल्कुल क्या कहते हैं अपना रूखा गोश्त है, और बड़े का गोश्त लें ताकि रेशा अच्छा बन सके, ठीक है। और इसको खूब अच्छी तरह से गला लें, मेरी तरह भी कर सकते हैं आप, पहले आप अदरक लहसुन में इसको गला के रख लें, उसके बाद फिर आप जो है ना आगे उसके लिए जाएं। अच्छा, इसमें साबुत गर्म मसाले नहीं डलते, अक्सर लोग साबुत गर्म मसाले डालते हैं, वो हलीम के अंदर कभी भी अच्छा नहीं लगता, मुँह में आ रहा होता है, ठीक है, इस बात का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। चलें जी, यहाँ पर प्याज हो रही है ब्राउन, आप हमें कॉल कर सकते हैं, जो भी सवाल आप पूछना चाहते हैं हलीम से रिलेटेड, और कोई सवाल पूछना है आपने
कोई रेमेडी के बारे में पूछना चाहते हैं तो ज़रूर आप पूछ सकते हैं, ठीक है जी। तो इसके साथ साथ रोज़ाना हम कोशिश करेंगे कि जो तबरुकात होते हैं मुहर्रम में, तो वो उससे रिलेटेड जो भी रेसिपीज़ बनाई जाती हैं हम कोशिश करेंगे कि वो आप लोगों के लिए तैयार करें। उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं तो उसका आपने लाजमी ख्याल रखना। अच्छा, दाल जब हमारी बन रही हो तो थोड़ी थोड़ी देर बाद लाजमी इसको मिक्स ज़रूर करें, ठीक है, ताकि ये नीचे की तरफ लगे नहीं, ठीक है। ये देख लें, इस तरह से हमने लाजमी इसको थोड़ा थोड़ा हिलाना है, और जब जैसे लगे आपको पानी कम हो गया, मैंने गर्म पानी रखा हुआ है, इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगा, ठीक है। ठंडा नहीं डालना है, थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करना है, ठीक है। ये देख लें, इसलिए अब गलने का जो पोजीशन आप देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से दालें मैश हो जानी चाहिए, लेस तैयार हो जाना चाहिए, तब आपको मज़ा आएगा खाने का, ठीक है। चलें, यहाँ पर ये ब्राउन हो गया और प्याज इसमें मैं डाल देता हूँ, गोश्त को, ठीक है। इसकी अदरक लहसुन तकरीबन 3 खाने के चम्मच, ठीक है, ये हमने डाल दिया और इसको हमने गोश्त को इसके साथ ही फ्राई कर लेना है, ठीक है। इसलिए इसके टाइम बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, तो इसके अंदर हमने सिर्फ अदरक लहसुन को पका लेना है और फुल आंच पर इसको पकाना है, ठीक है। इसके साथ अब मैं इसमें डाल लूँ धनिया पाउडर 2 खाने के चम्मच, ठीक है। तलहार मिर्च 2 खाने के चम्मच, ठीक है जी। लाल मिर्च पाउडर 2 खाने के चम्मच। गरम मसाला 2 खाने के चम्मच। ज़ीरा पाउडर 1 खाने का चम्मच। हल्दी 1 खाने का चम्मच। और नमक 1 से 1.5 खाने का। हमारे पास कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। शेफ गुलजार जी। जी, मैं अभी आपका कुकिंग शो देख रही थी, तो आपने अभी शीरमाल का बताया था जी, तो उसमें आपने कहा था कि हमें बटर भी ऐड करना है, बटर। तो हम क्या, मैं क्या, मेरे पास बटर अगर ना हो तो मैं बटर की जगह घी लगा सकती हूँ? बिल्कुल, घी आप ऊपर से ब्रश कर सकती हैं, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पर हमने मसाला डाल दिया, मसाला ना जले तो ये जो यखनी है हमने थोड़ी सी रखी हुई, ये हम इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है, और इसे मसाले को भून लेते हैं, कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसके बाद इसे हम मैश कर देंगे, और उसके बाद फिर हमने ये देख लें, मसाला अच्छा हैवी मसाला होना चाहिए, तेज़ मसाला होना चाहिए, इसलिए कि जब ये दालों में जाएगा तो ये मसाला गायब हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसकी क्वांटिटी को आप नोट कर लें, मैंने बहुत ही डिटेल में बताया है, और इसमें जब जिस क्वांटिटी में हम बना रहे हैं उसके हिसाब से जो मसाले मैंने बताएं, ये कम अज़ कम 15 से 20 लोग आराम से हलीम खा सकते हैं। तकरीबन तैयार होने के बाद ये 20 किलो का हलीम तैयार होगा, 20 से 25 किलो का हलीम, ठीक है ना, तैयार होने के बाद ये, यानी कि वज़न अगर आप करें, इसलिए कि दालें आपको पता है पकने के बाद ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास मसाला भुन गया, अब मैं इसमें ये सारी यखनी ऐड कर देता हूँ। अब इसे हमने थोड़ा सा, जब ये पक जाए, सारी चीज़ें ड्राई होने लग जाए, उसके बाद हमने गोश्त को मैश कर देना है, ठीक है। और उसके बाद ये फिर हम इसमें चलाएंगे मशीन, और ये मेरे पास मशीन है, ये मेरी बड़ी ज़बरदस्त मशीन है, ये हैंड ब्लेंडर कहलाता है, और ये है प्लास्टिक वाला, ये एक आता है स्टील वाला, इसके जो बेस होता है वो स्टील का होता है, लेकिन ये प्लास्टिक का मैंने ख़ास तौर पे ख़रीदा है ताकि ये जो नॉन स्टिक पैन है हमारा ये ख़राब ना हो, ठीक है। ज़ाहिर बात है इतने पैसे महंगे हम चीज़ इस्तेमाल करते हैं, अगर हम स्टील वाला मारेंगे तो उसमें लकीरें पड़ जाएंगी, तो ये प्लास्टिक वाला भी मिलता है, जब आप ख़रीदें तो ये याद रखें कि ये प्लास्टिक वाला आप परचेज़ करें। चलिए जी, ब्रेक के दौरान गोश्त को मैश कर लेते हैं, हलीम को गोटा लगा लेते हैं, उसके बाद इसको मिक्स करते हैं, उसके बाद चलेंगे शीरमाल की तरफ। छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार और चटखारेदार रेसिपी हमारी तैयार हो रही है, और हम बना रहे हैं आपके लिए बीफ हलीम। ठीक है, ये तैयार हो रहा है, साथ में जो है अभी हम आपके लिए शीरमाल तैयार करेंगे। और गोश्त को जो है हमने कोरमा बनाया, कोरमा बनाने के बाद इसे हमने जो मैशर होता है उससे मैश कर लिया, ये देखें बिल्कुल रेशा कर दिया है। ठीक है, याद रखिएगा गोश्त को कच्चे गोश्त से बनाएं या जैसे मैंने बॉईल करके बनाया अदरक लहसुन में उस तरह बनाएं, लेकिन ये मैश होना चाहिए लाजमी। ठीक है, ये देख लें बिल्कुल रेशा जो है ना, इसको गोश्त को इतना गला हुआ होना चाहिए कि इसको आप किसी घोटनी से अगर थोड़ा चलाएंगे तो ये बिल्कुल ऐसे रेशा हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये रेशा हो गया, मसाला बिल्कुल तैयार है, सारा कुछ तैयार है, और इसके बाद अब आ जाते हैं इसकी मिक्सिंग की तरफ। इसीलिए गोश्त को अलग आपने रेशा बनाना है ताकि आपके हलीम के अंदर रेशा आए। ठीक है, और इसको आपने मशीन से करना है। ठीक है, ये बेहतरीन मशीन है, हैंड ब्लेंडर, इससे आपके सारे दाल, गंदम, जौ, सब कुछ बहुत ही आराम से मिक्स हो जाएगा। और आँच को स्लो कर देना है, मैंने बिल्कुल धीमी आँच कर दी है। ठीक है, ये मैश होने के बाद चिपकना शुरू होगा नीचे, इसलिए आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अच्छा, इसके अंदर कोई टेस्ट नहीं है अभी। ठीक है, ना नमक है, ना कोई मसाला है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये दालें और चावल, गंदम और जौ। गोश्त डालने के बाद फिर इसे हम मशीन नहीं चलाएंगे। ठीक है, इसलिए फिर रेशा ख़त्म हो जाएगा गोश्त का, इसलिए जो भी मशीन चलानी है वो पहले चला लेनी। ठीक है, दालों में नाज़रीन, तो ये हो गया है तैयार। कैसा तैयार हुआ है ये ज़रा कैमरे में अच्छी तरह देख लें। ठीक है, ये देख लें, बिल्कुल हर चीज़ मैश हो गई है। ठीक है, ये आ गया इसका फाइनल रिज़ल्ट। ठीक है, अब हम डालने जा रहे हैं इसमें जो गोश्त हमने मैश करके रखा हुआ है। ये सारा मैश हुआ हुआ गोश्त है अच्छी तरह से, आपने इसमें ऐश ऐड कर दिया। ठीक है, और इसको आपने करना है मिक्स आराम आराम से, मिक्स करते जाना। ये आहिस्ते आहिस्ते अब देखिएगा इसका कलर चेंज होना शुरू होगा, बल्कि आप अगर चाहें तो वो जो लकड़ी की घोटनी होती है ना उससे भी आप कर सकते हैं। मैं इसको नॉन स्टिक से कर रहा हूँ इसलिए कि हमारा पैन नॉन स्टिक है, तो नॉन स्टिक ख़राब ना हो, या लकड़ी का चमचा या फिर घोटनी या फिर इस तरह से नॉन स्टिक से आप इसे चलाते जाएंगे। मेहनत का काम है, लेकिन मेहनत में अज़मत है। आँच बिल्कुल स्लो रखेंगे ताकि ख़राब ना, ये देखें आप ख़ुद ब खुद इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया, बिल्कुल हलीम वाला जो कलर होता है, अक्सर लोग बनाते हैं काले रंग का हलीम, तो वो नहीं होना चाहिए। हलीम का कलर बिल्कुल गोल्डन जिसको कहते हैं, ये देखें आहिस्ते आहिस्ते, इसलिए कि गोश जो है ना, और लेस आप देखें इसका, ये देखें, और अभी जो गोश का बेसिक जो मैंने आपसे कहा था कि रेशा,
जिसको मैंने इसलिए मशीन नहीं चलाई कि रेशा बरकरार रहे, वो आपको खाने के अंदर महसूस होगा। ठीक है, ये देखो अभी इसमें छोटे छोटे टुकड़े हैं जो अभी मैंने डाला है, उसको भी आहिस्ते आहिस्ते ये हल होता जाएगा और इसका कलर और चेंज होता जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको घोटना ज़रूरी है ताकि हर हलीम के एक एक कोने तक ये चला जाए। अच्छा, कुछ लोग गाढ़ा हलीम पसंद करते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा पतला हलीम पसंद करते हैं, ये दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। आप जिस तरह, इस तरह गाढ़ा है ये, काफ़ी गाढ़ा है, ठीक है, और ये ठंडा होता जाएगा तो और गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चाहें इसको थोड़ा और पतला करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, और हर तरफ से इसको घुमाना है और इसके बाद इसका प्याज का एक बघार होता है वो हम लगाएंगे और इसके साथ जो लवाजमात होते हैं वो हम सर्व कर देंगे। बहुत आसान मैंने तरीका बता दिया आज पहली दफ़ा, उम्मीद है कि अब आप रेस्टोरेंट जैसा हलीम ये देख लें। आप चमचे से आपको ये लेस, इसका रेशा सब कुछ निकलता हुआ नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये देख, ठीक है, चलो इसको हमने धीमी आंच कर देनी है, बिल्कुल हल्की आंच पे बनता रहेगा। जब तक ये बन रहा है हम चलते हैं अपने शीरमाल की तरफ। शीरमाल बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है गौर से सुन लें। आधा किलो हमने लिया है मैदा, 2 चाय के चम्मच इसमें बेकिंग पाउडर डाला है, 4 खाने के चम्मच इसमें बटर, अपना मक्खन या घी, दोनों में से कोई भी चीज़ डाल सकते हैं, 1 अंडा हमने इसमें शामिल किया, 2 खाने के चम्मच इसमें चीनी डाली है हमने, और 1/2 चम्मच नमक डाल के नीम गर्म पानी से गूंद कर इसका हमने छोड़ दिया। ठीक है, और इसे राइस करने के लिए 2 घंटे के लिए छोड़ा है, गर्म जगह पर रख दें। ठीक है, जब ये राइस हो जाए उसके बाद इसके पेड़े तैयार कर लें। ठीक है, हल्का सा खुश्का ले लें और इसलिए कि हमारे पास जो ट्रे है वो छोटी है तो हम उसी हिसाब से इसे बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, 3 से 4 पीस आराम से बन जाएंगे इसके, 1/2 किलो में मेरे ख्याल से 5 पीसेस बन जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपने ले लिया और हमारे ट्रे में 4 की जगह तो 4 हम बना रहे हैं। ठीक, चलो यहाँ पर पहला वाला जो था उसको हमने हल्का सा बेल लिया, मोटा रखना है पतला नहीं रखना। ठीक है, राउंड कर लिया, इसके बाद इस तरह से ने किया और ट्रे पर लगा दिया। तरह से उंगली के नाखून के पास जो हिस्सा होता है ना वहां से आपने इसको बना लेना। चलिए जी, टाइम हो गया है ब्रेक का। अब इसके ऊपर हमने सिर्फ हल्का सा बटर ब्रश करना है और इसे 200 सेंटीग्रेड के ऊपर 7 से 8 मिनट के लिए बेक करना है, तो ये हमारे शीरमाल तैयार हो जाएंगे। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, चटखारेदार, खुशबूदार और धमाकेदार रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है। हमने आपके लिए बीफ हलीम जो है तैयार किया, कलर जो है ना, बस ये कलर देखें आप,
आप बोलेंगे वाह वाह मजा आ गया कलर का। ये जो कलर होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग गलत मसाले डालकर गोश्त को इस तरह बना लेते हैं कि वो जो हलीम है इस तरह गोल्डन होने के बजाय वो काले रंग का हलीम हो जाता है। तो प्लीज़ ख्याल रखिएगा जो चीज़ें मैंने आपको बताई। अच्छा, दाल वगैरह की क्वांटिटी का भी बड़ा ख्याल रखना। लेस उसी वक्त बनेगा जब आप दालों की क्वांटिटी का ख्याल रखेंगे। अक्सर लोग बराबर बराबर डाल देते हैं, ठीक है, सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है। जौ और गंदम ज़्यादा इसलिए डाली जाती है लेस बने इसके अंदर, ठीक है। लेस बनेगा तभी मज़ा आएगा आपको हलीम के खाने का, ठीक है। और हलीम के लिए जो दालें हैं और जो सारी चीज़ें हैं वो उसको धीमी आंच पे 2-3 घंटे जो है ना आराम से पकाना ज़रूरी है, और गोश्त को अलग पकाना ज़रूरी है। दूसरा ये कि गोश्त को अलग मैश करके फिर आखिर में उसके अंदर मिक्स करें तो देखिएगा आप उसमें रेशा जो है वो बनेगा बहुत अच्छा और आपको खाने का मज़ा भी आएगा, ठीक है। तो ये आप आसानी से घर पर तैयार कर सकते हैं। 10 किलो 20 किलो 50 किलो 100 किलो भी बना सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। दालों की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी और आपकी हलीम की क्वांटिटी भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको तैयार कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार हलीम होता है। एक और राज की बात बता देता हूँ जो अक्सर प्रोफेशनल हलीम वाले अपने रेसिपी के अंदर जो है ऐड करते हैं। अगर आपको कोई नई चीज़ करनी है तो वो ज़रूर करें। गोश्त के साथ अगर 1 किलो गोश्त या 1.5 किलो गोश्त है उसके साथ एक ज़बान जो है गाय की वो ऐड करें, उससे टेस्ट बहुत ज़्यादा, ये सीक्रेट चीज़ बता रहा हूँ, ये बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है, ठीक है। ये हलीम के जो एक्सपर्ट हैं वो लोग इस्तेमाल करते हैं। और शामी कबाब के अंदर ज़बान का इस्तेमाल करने से शामी कबाब का टेस्ट बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, और ऐसा टेस्ट बनता है कि जो आप खाएं और बोले वाह वाह क्या बात है। तो शामी कबाब में और हलीम में गाय की ज़बान का इस्तेमाल करने से उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और एक अलग अरोमा जिसको कहते हैं ना, वो टेस्ट अब तलब बढ़ेगी आपकी खाने की, कभी आजमा कर देखिएगा। शीरमाल हमारे जो हैं वो तैयार हो चुके हैं, ये भी आपके सामने मौजूद हैं, और बहुत ही खुशबूदार चटखारेदार रेसिपी दोनों जो हैं तैयार, और इसके साथ कुछ लवाजमात मैंने रख दिए। उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको पसंद आएगी और आप अपने घर पर आराम से तैयार कर सकते हैं। बहुत आसान चीज़ें हैं, और इंशाल्लाह कल भी हम कुछ तबरुकात जो हैं वो बनाएंगे, और इसी तरह से पूरे हफ्ते बहुत ही अलग सी रेसिपी आपको इंशाल्लाह मिलेगी, बनेगी और आप इंजॉय करेंगे। प्रोग्राम को गौर से देखा करें, अगर कोई मिस हो जाए तो 5 से 6 शाम 5 से 6 हमारा प्रोग्राम रिपीट होता है। इसके अलावा हमारा जो पेज है YouTube का, उसका नाम है GTV Food, उस पर भी आप जा सकते हैं, वहाँ से भी आप रेसिपी हासिल कर सकते हैं पुरानी और नई। आज मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो लोग बालों में कलर लगाना चाहते हैं लेकिन कलर की वजह से उनको जो है ना एलर्जी हो जाती है, इसलिए कि उसके अंदर कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जिससे एलर्जी होती है। तो आप चाहते हैं कि हमारे बाल का कलर भी चेंज हो जाए और लाल लाल से ना लगें और बाल भी ठीक हो जाए, ठीक है, यानी कि कलर भी हो जाए उसको, तो आइए चलते हैं। और आज आपको मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त सी एक रेमेडी देने जा रहा हूँ, लिख लें और मुझे याद ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। ये मेरे पास है अनार के फूल, ठीक है, ये अनार के फूल हैं, ये आपने ले लेना है 1 खाने का चम्मच, ठीक है। आप क्वांटिटी उसी हिसाब से बढ़ाते जाइएगा, ज़्यादा बना कर रखना चाहते हैं ज़्यादा रख लें, ठीक है। अनार के फूल 1 खाने का चम्मच, कॉफ़ी जो पीने वाली कॉफ़ी होती है वो 1 खाने का चम्मच, दंदासा एक चीज़ होती है लकड़ी होती है जिससे हम, वो मेरे लिए दंदासा लाना ओ दिलबर जाना, वो जो आपने सुना होगा गाना, वो दंदासा एक होती है, वो पंसारी की दुकान पे आपको मिल जाएगा। उसका पाउडर 1 खाने का चम्मच, अनार के फूल का पाउडर 1 खाने का चम्मच, कॉफ़ी 1 खाने का चम्मच, और मेहंदी, काली मेहंदी बग़ैर केमिकल वाली किसी अच्छी दुकान से आप लीजिएगा तो वहाँ से आपको बग़ैर केमिकल वाली मेहंदी मिल जाएगी, वो 2 खाने के चम्मच, ठीक है। 2 खाने के चम्मच वो, अनार के फूल 1 खाने का चम्मच, कॉफ़ी 1 खाने का चम्मच, और दंदासा 1 खाने का चम्मच। इन चारों चीज़ों को अच्छी तरह से मिला के इसका पाउडर बना लें। जितना भी इस्तेमाल करना है उसको पानी में मिक्स करें, मिक्स करके उसका पेस्ट बना लें और बालों पर लगा लें। 1.5 से 1 घंटे के लिए छोड़ दें, उसके बाद आप उसको वॉश कर लें। कलर बिल्कुल ब्राउन आएगा, नेचुरल कलर आएगा, रेडिश नहीं आएगा, जैसे होता है ना अक्सर हम मेहंदी लगाते हैं तो लाल रंग कलर आ जाता है, तो वो लाल कलर नहीं आएगा, बिल्कुल ब्राउन कलर आएगा, नेचुरल कलर आएगा, ठीक है।
और दूसरा ये कि केमिकल से पाक है, अक्सर कलर लगाने की वजह से बहुत सारे एलर्जी होती है बहुत सारे लोगों को, और मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि कोई ऐसी चीज़ ज़रूर बताइएगा जिससे हमारे बालों पे कलर भी हम कर लें लेकिन नुकसानदेह भी नहीं हो, और कुछ लोग इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कलर लगाना नहीं चाहते, तो ये जो मेहंदी वाला कलर है ये तो आप लगा सकते हैं। तो ये तीन चारों चीज़ें नेचुरल, कॉफ़ी नेचुरल है, ये जो अनार के फूल हैं ये भी नेचुरल है, दंदासा भी नेचुरल है और मेहंदी भी नेचुरल है। इन चारों चीज़ों को मिलाकर इसका पाउडर बना लिया और इसको अप्लाई करके देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ठीक है जी, ये थी हमारी रेसिपी और रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, चेकआउट।